नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। छठ के कारण 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। आज से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं छठ को लेकर बैंक जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि छठ महापर्व को लेकर बैंकों में 2 दिनों तक अवकाश रहेगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण 3 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 20 और 21 नवम्बर को बैंक में छठ का अवकाश घोषित किया गया है, जबकि 22 नवम्बर को रविवार का दिन है। लिहाजा 20 से लेकर 23 नवंबर तक बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना हो तो 18 से लेकर 19 नवंबर की तारीख के बीच अपना सारा काम निपटा सकते हैं। हालांकि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बैंक के एटीएम पूरी तरह से काम करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में शुरू होगी पंचायत चुनाव की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव के कोरोना के माहौल के सफलतापूर्वक समापन के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2021 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर चहल पहल तेज कर दी गई है। ज्ञात हो, इससे पहले साल 2016 में पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया गया था। राज्य में लागू त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत 2.50 लाख पदों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई में होने वाले इस चुनाव को लेकर 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो सभी पंचायत चुनाव 2021 मई और जून के बीच करवाए जा सकते हैं। पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की कोशिश की जाएगी, इसके बाद नए मतदाताओं के नाम शामिल करने और दुनिया को अलविदा कह चुके मतदाताओं के नाम को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। छठ महापर्व की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामना। नहाय खाए के साथ आज से 4 दिन का अनुष्ठान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पूरे बिहार में त्यौहार का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं छठ को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ढेरों शुभकामनाएं दी हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की है, तथा राज्यवासियों से अपील है कि वो इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम, पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। सांसद ललन सिंह आए कोरोना की चपेट में। कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं कोरोना ने आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी काफी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद अब सांसद ललन सिंह के भी कोरोना के चपेट में आने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित होने के बाद उनकी तबियत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया है। एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक अब उनकी तबियत पहले से बेहतर है, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन के कारण डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। छठ के लिए 107 घाट हुए बनकर तैयार। कोरोना के माहौल में लोक आस्था के पर्व छठ का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। वहीं आस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में घाट बनकर भी तैयार हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पटना में छठ के लिए बार कुल 107 घाट बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले 90 घाटों पर ही छठ कराने की तैयारी की थी, लेकिन यह संख्या बढ़ाकर 107 कर दी गई है। इन घाटों पर छठ करने के लिए लोगों को पैदल ही जाना होगा। साइकिल से लेकर 3 पहिया और 4 पहिया वाहन पर जाने पर रोक लगा दी गई है। आम नागरिकों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घाटों को शौचालय, चेंजिंग रूम आदि बनाकर तैयार कर दिया गया है। प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो दीघा, एलसीटी, कलेक्ट्रेट, कालीघाट और एनआईटी आदि प्रमुख घाटों पर भीड़ कम होने की संभावना जताई गई है। बिहार की 5 ट्रेनों के रूट में आज से हो जाएगा बदलाव। पूर्वोत्तर रेलवे 18 और 19 नवंबर को सरदार नगर और चौरी चौरा स्टेशन के बीच और 21 और 22 नवंबर 2020 को चौरी चौरा और गौरी बाजार स्टेशनों के मध्य गर्डर लॉन्च करेगी। इसके दौरान रेलवे ब्लॉक लेगा और गोरखपुर जाने वाली 5 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत ट्रेन संख्या 04185 ग्वालियर बरौनी विशेष गाड़ी को परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट कप्तानगंज थावे सिवान के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04186 बरौनी ग्वालियर विशेष गाड़ी को परिवर्तित मार्ग सिवान थावे कप्तानगंज गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 02566 नई दिल्ली दरभंगा विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट कप्तानगंज थावे सिवान के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04407 दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी को परिवर्तित मार्ग सिवान थावे कप्तानगंज गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 04030 दिल्ली मुजफ्फरपुर विशेष गाड़ी 19 और 22 नवंबर को गोरखपुर कैंट कप्तानगंज थावे सिवान के रास्ते चलाई जाएगी। छठ के दौरान आसमान छू रहा है विमानों का किराया। बिहार में छठ के दौरान घर आने वालों की भारी संख्या देखने को मिलती है। वहीं इस दौरान विमानों के किराए में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है।
है। कई रूटों पर ट्रेनें नहीं चलने और कम ट्रेनों की वजह से बिहार आने वाले लोगों को विमान से आना पड़ रहा है। हालांकि विमानों के किराए ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सामान्य तौर पर दिल्ली से पटना का किराया 2,500 से 3,000 होता था, यह अभी बढ़ाकर 7,000 से अधिक हो गया है। अलग अलग एयरवेज का किराया अलग अलग है। इसी तरह से पुणे का किराया 8,000 से 10,000 पार कर गया है। वहीं बेंगलुरु का किराया भी 7,000 आसमान पर पहुंच गया है। नीतीश कुमार ने बिहार को और आगे ले जाने की बात पर दिया जोर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 15 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करवा दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता के नाम अपना एक संदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार को और आगे ले जाने का उनका प्रयास जारी रहेगा। राज्य की प्रगति के लिए वो काम करते रहेंगे। जनता ने पुनः जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों को पूरी कोशिश करनी है। अपने कर्तव्य को हम लोग पूरी गंभीरता से निभाएंगे। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलना मेरा काम है, इसमें किसी को कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 मजिस्ट्रेट के साथ 1,000 जवान की होगी तैनाती। छठ पूजा की शुरुआत आज से नहाई खाई के साथ शुरू हो गई है। वहीं छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसको लेकर पटना पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। छठ घाटों से लेकर सड़कों तक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है, ताकि छठ का आयोजन शांतिपूर्वक करवाया जा सके। 1,000 से अधिक जवानों और लगभग 100 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही छठ घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। छठ घाटों के आसपास श्रद्धालुओं के लिए क्विक मोबाइल की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। इससे पूर्व पटना में डीएम ने छठ घाटों की निगरानी की और अधिकारी को सख्त निर्देश दे दिया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री को लेकर राजनीति हुई शुरू। बिहार में बीते दिन विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री के रूप में मेवालाल चौधरी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि उनको यह जिम्मेदारी देने के तुरंत बाद ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की जान जाने के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की है। इसके लिए उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को पत्र भी जारी किया है। साल 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ दास ने पत्र में लिखा है कि मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी की जान गई थी, मुझे सूचना है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। डीजीपी से अनुरोध किया है कि इस मामले में एसआईटी गठित कर मंत्री से पूछताछ की जाए। पी चिदम्बरम ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 40 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की कही बात। कांग्रेस के शीर्ष नेता पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के वजूद के खत्म होने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीनी स्तर पर वजूद समाप्त हो चुका है, संगठन कहीं नहीं है। यह पुरानी पार्टी बेहद कमजोर पड़ चुकी है, हर स्तर पर आत्ममंथन की जरूरत है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी किसी गैर गांधी को अगुवा चुनने के बारे में प्राथमिकता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में एआईसीसी किसे अध्यक्ष चुनेगी कहा नहीं जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के हालत के बारे में यह बता दिया है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन की ताकत से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। पार्टी को सिर्फ 40 उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। रामकृपाल यादव ने किया छठ घाटों का जायजा। छठ के महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। हालांकि छठ को लेकर बीते दिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। डीएम कुमार रवि और मेयर सीता साहू लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने फुलवारी प्रखंड स्थित शिव मंदिर तालाब, बहादुरपुर तालाब, गोनपुरा सूर्य मंदिर तालाब और दानापुर के खगौल लख का बीते दिन दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के चलते लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा को घर पर ही मनाएं, कम से कम संख्या में घाटों और तालाबों पर जाएं, साथ ही ज्यादा भीड़ लगाने से बचे। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन को सहयोग कर प्रेम और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। शादी से पहले वेकेशन पर गए गौहर खान और जैद दरबार। टीवी एक्ट्रेस गौहर खान और एक्टर डांसर जैद दरबार जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबरों की माने तो 25 दिसंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि इससे पहले ही दोनों दुबई में वेकेशन एंजॉय करने गए हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दोनों की तस्वीर फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही दोनों की सगाई हुई है। जैद दरबार ने गौहर खान संग इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की है। फैंस को जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, हेलो दुबई, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन इस बार अपनी हमसफर के साथ गौहर खान। बता दें कि गौहर खान ने जैद दरबार संग फोटो पोस्ट कर कंफर्म किया था कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। आईपीएल के बाद अब पूरी टीम इंडिया एक साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां टीम लगातार तैयारी में जुट गई है। वहीं टीम अब टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस करने में जुट गई है। आपको बता दें, टीम को 27 नवंबर से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है और इसके बाद
इतने ही मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। 17 दिसंबर से टीम इंडिया को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन सिडनी में क्वारंटाइन पीरियड के दौरान टीम इंडिया टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस करती नजर आई। टीम इंडिया ने रेड और पिंक बॉल से प्रैक्टिस की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट एडिलेड में खेला जाना है, जो कि डे नाइट टेस्ट होगा। इस प्रैक्टिस सेशन में वनडे T20 और टेस्ट टीम में शामिल सभी टॉप बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 89 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 38,617 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 89,12,908 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 474 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,30,993 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब कुल मिलाकर 83,35,110 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,46,805 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार छठ के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।